नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल लर्न विद रजनी में। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल आपको पोस्ट के जरिए बताया था कि राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर की जो एग्जाम 6 दिसंबर को होनी थी वो पोस्टपोन कर दी गई है। पोस्टपोन क्यों की गई है? COVID-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हाईकोर्ट ने ये निर्णय लिया है कि ये जो एग्जाम 6 दिसंबर को होनी थी उसको पोस्टपोन किया जाए। अब आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि जब ड्राइवर की एग्जाम पोस्टपोन कर दी गई है तो क्या डी ग्रुप की एग्जाम भी डिले होगी, क्या एलडीसी की एग्जाम भी डिले होगी? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर की जो एग्जाम है वो पोस्टपोन क्यों की गई। एग्जाम जो है वो पोस्टपोन COVID-19 के चलते की गई है। तो पॉसिबिलिटी है कि 6 दिसंबर को जो एग्जाम होनी थी वो हो सकता है कि जनवरी में हाईकोर्ट कंडक्ट करवाए। अब हम बात करते हैं कि क्या डी ग्रुप और एलडीसी की जो एग्जाम है वो भी आगे बढ़ेंगी। हालांकि हाईकोर्ट ने अभी उनकी एग्जाम डेट नहीं दी है, बट पॉसिबिलिटी थी कि डी ग्रुप की जो एग्जाम है वो जनवरी में हाईकोर्ट कंडक्ट करवाए और राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की जो एग्जाम थी वो फेब या मार्च में होने की पॉसिबिलिटी थी। बट जब ड्राइवर की जो एग्जाम है वो जनवरी में होगी तो हो सकता है कि डी ग्रुप की एग्जाम है वो फरवरी या मार्च में कंडक्ट हो और एलडीसी की जो एग्जाम है वो अप्रैल में तक जाए। ये मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई है। ये बात हुई एग्जाम्स के बारे में। अब ये जो हाईकोर्ट का नोटिफिकेशन आया है उससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। जो लोग ड्राइवर की तैयारी कर रहे थे वो क्या करेंगे, उनको और टाइम मिला है और टाइम मिला है तो वो अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से करेंगे। डी ग्रुप और हाईकोर्ट एलडीसी के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि एक तो लिमिटेड टाइम था, आपको उसी टाइम में आपको सब कुछ मैनेज करना था। आपको हिंदी इंग्लिश भी पढ़नी थी, जीके भी पढ़ना था, आपको टाइपिंग भी करनी थी। एलडीसी की बात कर रही हूँ तो अब आपको थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा, अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप करने का आपको टाइम मिलेगा। आप उसको और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है कि जब एग्जाम की डेट्स ही आगे बढ़ रही है, अभी तो ड्राइवर की एग्जाम की डेट ही पोस्टपोन कर दी गई है, फिर डी ग्रुप की होगी, फिर हाईकोर्ट एलडीसी की होगी, अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे आराम से। ऐसा सोचना गलत है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि मुझे थोड़ा और टाइम मिला है, उसमें मैं मेरी प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत करूँगा और एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करूँगा और अपना चयन जो है वो सुनिश्चित करूँगा। तो मेरा आपको यही कहना है कि आपको थोड़ा और टाइम मिला है, डी ग्रुप ड्राइवर एंड हाईकोर्ट एलडीसी के जो एस्पायरेंट्स हैं उनको थोड़ा और टाइम मिला है, इस टाइम को पॉजिटिवली लें। ये बिल्कुल नहीं सोचें कि एग्ज़ाम कब होगी, पता नहीं, अभी तो कोविड चल रहा है, तो कोविड के चलते जब ड्राइवर की एग्ज़ाम ही पोस्टपोन कर दी तो फिर डी ग्रुप और एलडीसी की एग्ज़ाम्स भी हो जाएंगी पोस्टपोन, आराम से कर लेंगे तैयारी। ऐसा सोचना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। डी ग्रुप की जो एग्ज़ाम है वो पॉसिबिलिटी है कि फेब या मार्च फर्स्ट में हो और एलडीसी की जो एग्ज़ाम है वो पॉसिबिलिटी है कि अप्रैल में कंडक्ट हो सकती है, क्योंकि जब ये एग्जाम पोस्टपोन कर दी गई हैं तो बाकी की जो दो एग्जाम्स हैं वो भी डिले होंगी। आपको इसको पॉजिटिवली लेना है, अच्छे से तैयारी करनी है और एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करना है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी मेरे स्टूडेंट्स को कि घर में रहें, बाहर जाने से बचें। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप बाहर जाएं, अदरवाइज आप घर पे रह के अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। आपको स्वस्थ रहना है, सेफ रहना है और एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और स्टडी करते रहें। बाय बाय।